यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो गाइस आज के माइनक्राफ्ट वीडियो हमारा डे 7 है। तो आज वो डे है फाइनली जब हम बनाने वाले अपना आयरन फार्म। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमने अपना जो सर्वाइवल वर्ल्ड में जो कासल है अपना, मैंने इसके अंदर अपना सारा आयरन फार्म के लिए जितना भी सामान होता है, मतलब के चाहिए होता है, वो सारा तो मैंने ले लिया है। बाकी इसके अंदर से थोड़ा सा मैंने ट्रेड किया था, ये देख लो, सिर्फ 6 ब्रेड ली थी। यहाँ पे अब मैंने जो सारा सामान कलेक्ट किया है वो तो एक तो ये है, इसके अंदर मेरे पास कोल वगैरह तो नहीं, मुझे थोड़े से चाहिए ये। पहले तो अपनी मैं इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ ना जल्दी से। तो गाइस मैंने इन्वेंट्री तो अपनी खाली कर दी, अब जो मुझे चाहिए मैं वो ले लेता हूँ। यहाँ पे रेडस्टोन और नेम टैग तो मुझे चाहिए, और ये रेल आप सोच रहे होगे कहाँ से लाया है, भाई क्रिएटिव वर्ल्ड नहीं है, प्लीज़ ये ना सोचना। और मैं रिस्पॉन पॉइंट्स भी सेट कर लिया। बाकी ये मैं लाया हूँ माइनशाफ्ट से, माइनशाफ्ट में इतनी ज़्यादा रेल थी तो मैंने सोचा कि रेल उधर से ले आते हैं। तो बाकी ये आयरन 24 इधर है, 12 इधर लगाया हुआ है, 12 इधर, ये सारा मैंने माइन किया, और 10 गोल्ड इधर। अब जो मुझे पहले तो चाहिए एनविल, जिसके लिए पहले तो मुझे 3 चाहिए, मुझे 3 चाहिए आयरन के ब्लॉक्स। हाँ जी, 3 आयरन के ब्लॉक्स हो गए। और अब इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे एक एनविल बन गया। तो एक एनविल मुझे लगाना है यहाँ पर, और इस एनविल में नेम टैग की जगह मैं लिख देता हूँ जोम्बी है। तो जोम्बी क्या होता है, नल्ला। तो गाइस यहाँ पे मैंने उसको एकदम नाम नल्ला तो रख दिया है, और अपनी एक एन्चेंटमेंट कोस्ट भी लगी, बट कोई बात नहीं, अपना अब नेम टैग भी हो गया। इसको मैं कहीं राइट क्लिक ना कर दूँ इसलिए ऊपर, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है तो वेस्ट नहीं करनी। बाकी यहाँ से और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ रेडस्टोन के बाद मुझे चाहिए एक माइन कार्ड भी बनानी है। तो आयरन तो अपने पास आया, तो एक माइन कार्ड भी बन जाएगी, एक बन गई अपनी माइन कार्ड। और एक अब मुझे चाहिए पावर ड्रिल। हाँ पावर ड्रिल के लिए क्या चाहिए होता है, पहले तो स्टिक्स भी मुझे चाहिए, इतना मुझे पता है। तो स्टिक्स, हाँ ये रही। तो मैं पावर ड्रिल थोड़ी ज़्यादा ही बनाने वाला हूँ, तो स्टिक्स जितनी भी बने वो निकाल ले, लेकिन ज़्यादा बनेगी नहीं क्योंकि मेरे पास इतनी है नहीं। हाँ देखा, ऐसे और ये आएगी नीचे, 1 से 6 मिलती हैं, तो मेरे पास सिर्फ 6 ही पावर ड्रिल बनने वाली हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा आराम आराम से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो वो तो मैं देख लूँगा, क्योंकि ये मैंने पहले सारा माइन किया है 1-2 घंटे लगा के। और मुझे चाहिए ग्लास भी, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ग्लास ले लिया, और एक क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता हूँ। बाकी गोल्ड की तो और ज़रूरत नहीं पड़नी, और हाँ वूल दे दो मुझे, क्योंकि बेड्स की भी ज़रूरत हो तो मैं बेड भी जल्दी से बना लेता हूँ। तो गाइस मेरे पास बेड के लिए तो वूल तो है, बट उसके लिए मेरे पास वुड नहीं है, तो मैं पहले तो वुड ले आता हूँ, लेकिन मैं यार अपने टूल्स पता नहीं क्यों रखवा देता हूँ, पहले तो मैं अपने टूल्स भी ले लेता हूँ सारे वाले। तो गाइस मैंने एक दरख्त तो आराम से एकदम तोड़ लिया, मेरे पास कितनी वुड आ गई है, 5 वुड आ गई है। तो 5 के प्लैंक्स अगर निकालें तो हम काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, चलो घर जाकर निकालेंगे। बाकी तो पहले तो मैं खा लेता हूँ फूड। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कासल में, और अब यहाँ से मैं बना लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा वाले बेड्स। इतने इनफ हैं आई थिंक सो, 2 बेड्स हो गए हैं टोटल, मुझे 3 बेड्स चाहिए, तो वो तो हो गए हैं। यहाँ से अब मुझे कॉबल स्टोन चाहिए काफ़ी ज़्यादा वाला, काफ़ी ज़्यादा मीन्स के काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो कॉबल स्टोन है, बाकी भाई और चाहिए, अगर और चाहिए होगा तो मैं आके तोड़ लूँगा। हाँ ये देखो यहाँ पे भी, मैं भी कहूँ मेरे पास इतना कॉबल स्टोन है, गया कहाँ पे। और स्टोन कटर मेरा किधर है, स्टोन कटर ये रहा अपना, स्टोन कटर को बाहर निकाल के लगा देता हूँ, क्योंकि आप हम फिर से बिल्डिंग कर रहे हैं तो बिल्डिंग में स्टोन कटर की तो ज़रूरत है ही है। तो स्टेयर्स मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इन सारों को स्टेयर्स बनवा लेता हूँ। हाँ इतनी स्टेयर्स आई थिंक सो इनफ हैं, तो इनको रखो यहाँ पे। यार ये अब नहीं बनती सच्ची, यहाँ से आप पहले मैं मुझे चाहिए वॉल्स काफ़ी ज़्यादा, तो वॉल्स भी मैं बनवा लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा वाली। हाँ आई थिंक सो 30 वॉल्स इतनी इनफ रहेंगी, तो एक दफ़ा तो इतनी, वरना तो मैं वापस आके बना लेता हूँ, बट एक दफ़ा पहले सो जाते हैं। तो ओके गाइस अपनी एकदम मस्त वाली सुबह तो हो चुकी है, बट अब मैं थोड़ा सा साथ में फूड भी ले लेता हूँ, पहले उसको पकाऊ कर लेते हैं उसको पहले। तो गाइस मैंने वहाँ फूड तो पकने रख दिए, अब यहाँ पे मैं पहले थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लेता हूँ डर्ट, और डर्ट लिया तो साथ एक शवल, मेरे पास शवल आयरन की क्या है, आयरन की नहीं है, तो मैं इतना सारा आयरन माइन करके आऊँ, तो एक शवल न्यू बनवा लेते हैं। तो मेरे पास स्टिक्स मैंने कहीं पे रखी हैं यार, मेरे पास स्टिक्स हैं थी काफ़ी ज़्यादा, ये देखो ये पड़ी मेरे पास 7 स्टिक्स, तो 7 स्टिक्स, तो एक बना लेता हूँ मैं शवल, एक अपने पास शवल आ गई। और
मुझे एक और चीज़ चाहिए जो जो है रेडस्टोन टॉर्च। तो मेरे पास 6 हैं, तो मैं 6 ही टॉर्च बना लेता हूँ, या तो 5 ही इनफ हैं, या तो वो डोर ले आऊँ, थोड़ी सी स्टिक और बनवा लेता हूँ यार। एक एक स्टिक मिल जाए ना सिर्फ, तो सही हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देख लो गाइस, 2 स्टिक्स पड़ी हैं, तो 2 की 2 ले लेता हूँ, और एक ही बनाऊँगा लेकिन मैं टॉर्च। चलो जी, 6 टॉर्च भी होगी, बाकी ये तो ठीक है, बाकी एक है तो इस, तो आई थिंक सो। हाँ हमारा ये हो चुका है सारा कुक, फूड सारा कुक हो गया, तो फूड को भी साथ लेके चलते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक तो अपने साथ हैं ही हैं, तो ये चीज़ तो एकदम सारी ठीक हो गई। बाकी मेरे पास विलेजर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मीन्स कि आई थिंक सो 2 एक्स्ट्रा हैं, या तो फिर 1 एक्स्ट्रा है, तो या पता नहीं यार। विलेजर्स का भी कोई हिसाब लगाता हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा विलेजर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो फर्स्ट फार्म है वो इधर बनाऊँ, और इधर से आगे लाइन से मैं बनाता जाऊँगा फार्म्स ऐसे, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं आने चाहिए, बिकॉज़ फिर अगर इससे अंदर आएंगे तो मेरा विलेज ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, बाकी अपने कासल से भी हट के है। तो मुझे ऊपर जाने की हाइट चाहिए 20, तो मैं 21 या 20, वो मिनिमम है, मिनिमम हाइट है, लेकिन मैं 20 रखने वाला हूँ। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वैसे ये अपनी एकदम फुल नाप तोल के साथ बनने वाला है, तो मैं तो ये जल्दी से एकदम बनाने वाला हूँ। Years later. तो गाइस फाइनली मैंने लावा डाल के एकदम इस सारे को एकदम प्रॉपर वाला एकदम बना दिया है। अब बस एक ही चीज़ रह रही है, इसका तो मैं खैर बाद में वे निकाल दूंगा, एक दफ़ा इसको छोड़ो। अभी फार्म को चलाने के लिए बस एक ही चीज़ रह गई है, वो चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 sec ओनली, इसको तोड़ लें दो। हाँ बाकी ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने खुद से भी ऐसे बना दिया है,
यहाँ से ऊपर से भी तोड़ो, ये सारा तोड़ो, और डर्ट ब्लॉक भाई ए यहाँ पे लगना है डर्ट ब्लॉक, इसको भी तोड़ो यहाँ पे ले, इसको तोड़ो, और यहाँ पे लगना है एक ग्लास का ब्लॉक, ठीक है, ये तो ग्लास ब्लॉक, बाकी इसको तोड़ दो। ये वो चीज़ है जिनसे विलेजर्स ने डरना है, और ये अपना एकदम फार्म हो चुका है गाइस, प्रॉपर वाला स्टार्ट, और अब इस फार्म से मैं देखता हूँ कि कितना आयरन को हो देता हूँ, आए वो आयरन को नंबर में भी आ गया, और यहाँ पर देखना है गाइस मीन्स के ये एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है ये, मीन्स के गाइस इससे ज़्यादा कोई तगड़ा फार्म नहीं, अगर कोई अगर इतनी जल्दी बगैर AFK हुए अगर कोई फार्म वर्क करता है तो मीन्स के वो उस फार्म की स्पेशलिटी है, वरना वो भाई समझो बगैर AFK वगैरह के वो कैसे चल रहा है, सोचो जो फार्म बनाते हैं उनको तो पता होगा AFK हो तो आपकी जो ऐसे मॉब स्पॉन कुछ भी स्पॉन होना हो, जैसे आपका अगर जैसे हमारा वन ब्लॉक वर्ल्ड में वो हमारा था वो वाला जो था XP फार्म, और वो सच XP फार्म भी बनाना है, वो भी बनाएंगे नेक्स्ट दो वीडियोस में, तो अगर वो वाली भी वीडियो देखनी है तो यार सब्सक्राइब तो करना फिर पड़ेगा, तो लेकिन आप लोगों ने वो करना नहीं है पता नहीं क्यों। अब ये जो मैंने सारी एकदम फूटी 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 सी जो या मैंने रेल लगाई थी इसको भी तोड़ देते हैं, बाकी ये जो सामान है ये तो खुद ही कलेक्ट होता रहेगा, और अब मुझे थोड़ा सा चाहिए वाटर, थोड़ा सा 2 बकेट वाटर ले लेते हैं, बाकी अभी वो डर रहे हैं तो अभी भी एक और गोलम हो जाएगा स्पॉन, एक और हो जाएगा सच्ची मज़ा आ जाएगा यार, एक और हो जाए बस आयरन गोलम, बस एक और स्पॉन हो जाए प्लीज, वो हो गया यार, ये तो फिर फार्म बहुत ईजी है यार, बनाने में टाइम लगा है, इतनी बनती है रिकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा ही कर दी है, बट चलो काटा कूटा मारेंगे जब एडिटिंग करेंगे तो, बाकी तो गाइस इस फार्म का भी देखते हैं कितना निकला, अभी तक आयरन कितना बना है, 2 गोलम अभी तक मरे हैं, देख लेते हैं अभी तक कितना हमारा आयरन जो है वो बन गया है, ए इसका जो चेस्ट एरिया है वो आई थिंक सो यहाँ पे है, ये है इसका चेस्ट, हाँ तो उसी के नीचे एकदम यहाँ पे हम कोबलस्टोन लगा के ऊपर जाते हैं, बाद में इसके साथ वो बना देंगे, वो मैंने कितना सही नाम को लिख दिया, यहाँ पे इतना सा एरिया बना देते हैं, उसके ऊपर मुझे स्लैब वगैरह कुछ लगानी पड़ेंगे, चलो वो अभी मैं लगा दूंगा, बाकी 15 आयरन अपने पास आ भी गया है, मीन्स के अभी मैं अपने और ये देखो साथ ये पोपी भी आता है जो आयरन मैन के जो होता है गोलम के पास, अपना ओपी फार्म भी बन चुका है, और अपनी ये फार्म्स की लेयर गाइस यहाँ से आगे फार्म ही फार्म जाने वाले हैं, एकदम शुगर गन फार्म, आयरन फार्म, पता नहीं क्या कौन कौन सा फार्म, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.